जैन परंपरा में वर्णित 9 पुण्यों में से सबसे बड़ा और पहला पुण्य अन्नदान को बताया गया है। पेट की आग सबसे भयंकर होती है और भूख से पीड़ित व्यक्ति को भोजन की कीमत पता चलती है। भूखे तथा जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाना जीवन दान के समान है। परोपकार तन मन और धन से किया जा सकता है। निर्धन व्यक्ति भी तन और मन से सेवा कर सकता है। स्वभाव में उदारता होने पर कम साधनों से भी दूसरों का उपकार करना मुमकिन है। यह बात मसीहा की तरह अन्नदान की मुहिम चला रहे उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर से भोजन की गाड़ियों को विदा करते हुए अपने संदेश में कही। यहाँ आपको बता दें कि आज 3,500 लोगों के लिए भोजन के पैकेट भेजे गए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति परोपकार को सबसे बड़ा धर्म बताती है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नर्क के समान है। इसलिए सज्जन व्यक्ति अपने सुख को अधिक महत्व ना देकर दूसरों के सुख में सुखी होते हैं और अपनी सुविधाओं में कटौती कर दूसरों की जरूरत पूरी करना उन्हें अच्छा लगता है। सच्ची मानवता उसी मानव में होती है जो दूसरों को खिलाकर खाने में अथवा दूसरों की उदर पूर्ति करते हुए खुद भूखे रह जाने में भी आत्मतृप्ति का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों का भूखा रखकर स्वयं पेट भर लेने में आत्मग्लानि का अनुभव होता है। मुनि ने कहा कि अपने पास अखूट धन रखने वाला कुबेर जितना वैभव संपन्न होने पर भी सच्चा धनंजय नहीं है। सच्चा अमीर तो वह है जिसकी दौलत गरीब तथा अभावग्रस्तों के लिए घरों में भरी होती है और जो अपनी विलासताएं छोड़कर अपनी जरूरतों में कमी करके साधनहीन एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की आवश्यकताएं पूरी करता है। एक मनुष्य की जितनी जरूरत होती है वह उतने ही धन का अधिकारी होता है। आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा कर समाज को उससे सुख ना पहुंचाने वाला मानिए दूसरों को पेट काट कर अपनी तिजोरी भरता है और दूसरों के हक को छीन कर उनके अधिकार की वस्तु पर नाजायज कब्जा जमा लेता है। इस अवसर पर पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री करणदेव कांबोज, प्रदेश भाजपा महामंत्री वेदपाल एडवोकेट, जिला नगर योजनाकार विक्रम सिंह उपस्थित हुए। वहीं सभी गणमान्य महानुभवों ने लंगर के सुव्यवस्थित संचालन एवं व्यवस्था के लिए पीयूष मुनि एवं उनके भक्तजनों को हार्दिक साधुवाद किया। अब मैं निवेदन करूंगा श्री विक्रम जी से, जो कि डीटीपी हैं हमारे करनाल के, वे भी हमारे मध्य पहुंचे हैं, वे भी अपना संदेश जरूर दें। मुनि जी का और जैन सभा का धन्यवाद कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा सौभाग्य है कि मैं इन लोगों के बीच में हूँ। आज देश के अंदर बड़ी महामारी है, COVID-19 जो है, उसकी वजह से हम सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। जो लोग अपने घरों तक नहीं जा सकते और जिनको खाने की प्रॉब्लम है, उनको मुनि जी और उनकी संस्था खाना पहुंचा रही है, बहुत नेक काम है। प्रशासन भी इनके साथ में है, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं भी चाहूँगा कि आगे कंटिन्यू काम करते रहें। हमारी तरफ से कोई भी किसी भी तरह की कोई जरूरत होगी तो हम इनके साथ। भारतीय संस्कृति कहती है तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। व्यक्ति दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ भी ना हो और जो किसी को कुछ भी देने की ताकत ना रखता हो। हर व्यक्ति अपनी शक्ति और ताकत के मुताबिक अगर चाहे तो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना उसके लिए अवश्य मुमकिन और संभव है। पद्म पुराण में बहुत सुंदर बात कही गई, मनसत यत सुखम नित्यम स्वय सर्गो नरकोपमय। जहाँ सदा हमेशा अपने मन को ही सुख मिलता है वह स्वर्ग भी नरक के समान होता है। तस्मात् पर सुखे नैव सुखिनः साधवः सदा। इसीलिए सज्जन प्रकृति के लोग अपने सुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से सुखी महसूस करते हैं। यानी हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे तमाम धर्म ग्रंथ यही उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति अपनी शक्ति और ताकत के मुताबिक दूसरों को सुख पहुंचाने में कोई कोर कसर ना छोड़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हमारा मानव जीवन सफल और सार्थक हो सकेगा। आज इस शुभ अवसर पर पूर्व मंत्री श्री करणदेव कंबोज जी, जिनका इस संस्था के साथ हमेशा आत्मीयतापूर्ण संबंध रहा है और जो बहुत लंबे समय से हर कार्य में अपना योगदान देते रहे हैं, प्रदेश भाजपा महामंत्री श्री वेदपाल एडवोकेट जी, जो इस मंदिर के प्रति विशेष रूप से आस्थावान रखते हैं, और करनाल के जिला नगर योजना का डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर विक्रम सिंह जी भी यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए हैं। और इन सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में
फूड वैन्स को अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना किया जा रहा है। इन सभी के आने से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है और मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि इन सभी को वे अपना विशेष आशीर्वाद और कृपा दृष्टि प्राप्त कर प्रदान करें, ताकि ये इसी तरह सेवा कार्य में लगकर अपने जीवन को सफल। मैं धन्यवाद करूंगा आत्मनोर जैन मंदिर ट्रस्ट जो है, जो इस संकट की घड़ी में इस प्रकार का काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है। कि जैसा कि हम सबको विदित है कि कोरोना महामारी की वजह से और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से एक संकट जो है ना ये गहराया है, और भारत में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जो लॉकडाउन रखा गया है, उसमें जहां कुछ ऐसे लोग जो बेचारे मजदूर किस्म के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ अपना सामान जुटाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो संकट की घड़ी आई है, उन लोगों को इस प्रकार की मदद देना, उनको लिए भोजन पका करके और यहाँ से हर रोज़ जो है ना इस प्रकार से सप्लाई किया जाता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा सभी साथियों का ये संकट की घड़ी में। और ये सिर्फ हमारे देश की संस्कृति है कि जहाँ एक व्यक्ति दूसरे जो अगर कोई मान ले संकट में होता है तो उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, हमारी प्राचीन परंपरा है। और इस प्रकार की संस्कृति को कायम रखते हुए हमारी संस्था ने जिस प्रकार का ये बीड़ा उठाया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जिस गांव के अंदर ये राशन ये भोजन जाएगा, मैं इस गांव को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, उस गांव के अंदर सभी जो लोग हैं वो मजदूरी करने वाले लोग हैं, घुमंतु जाति के लोग हैं, रोज़ अपने रेडियो पर साइकिलों पर वो फेरी का काम करते हैं, और ये लॉकडाउन की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके सामने संकट खड़ा हुआ। तो ऐसे लोगों को संभालना, ऐसे लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराना एक बहुत ही पुण्य का कार्य है, और ये इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और इस पुनीत कार्य के लिए सभी परमात्मा इनको पूरा अपना आशीर्वाद दे, जिस प्रकार का काम इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। माननीय पीयूष जी महाराज का जो ये उत्तरी क्षेत्र की शक्तिपीठ है और जैन स्नातक जिस नाम से जाना जाता है, हमेशा सेवा के नाम से, अहिंसा के नाम से, इस लॉकडाउन की घड़ी में उन्होंने लगातार भूखे को, जिसके पास आज रोजगार नहीं है, उसको अन्न उपलब्ध करा के एक बहुत ही महान कार्य और उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। और एक खुशी की भी बात है कि हरियाणा के अंदर आज 12 जिले ग्रीन जोन में आ चुके हैं, उनमें से करनाल भी ग्रीन जोन में है, 5 ऑरेंज में है और 5 रेड जोन में है। और हरियाणा बड़ी तेजी से सुधार की तरफ बढ़ रहा है, और लगभग पूरे हरियाणा में जो ठीक होने की गति है वो 60% है, जबकि पूरे देश में वो 17% है। तो मैं फिर से बधाई देता हुआ, शुभकामनाएं देता हुआ, और पीयूष जी महाराज का जो विशेष तौर पर ये लगातार अभियान चल रहा है और इस लॉकडाउन को जैसे सभी संस्थाओं ने मिलकर संभाला है, उन सभी का भी धन्यवाद। और जो स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड हैं, और जिस प्रकार के सभी लोग और जो स्वयं सेवक भी लगे हुए हैं, उन सबका भी धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.